जिस जगह पे मैं हूं बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना, तो उसके भी अफेयर हो जाते। जिस जगह पे आज जितनी भी शादीशुदा महिला हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, जितनी भी हैं, क्या उनके अफेयर नहीं होते? उनके लफड़े नहीं होते? कैमरे के सामने बैठकर खेसारी लाल यादव ने जो अपने शब्दों में कहा है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। शायद कोई और होता तो ऐसा कभी ना कहता। आपको बता दें कि हाल फिलहाल के एक पॉडकास्ट के दौरान खेसारी लाल यादव ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात कह दी है। खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा यादव पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान शुभांकर मिश्रा ने जब ये सवाल किया कि इंडस्ट्री में आपके काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं, आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, अगर इसका उल्टा हो और आपकी वाइफ के बहुत सारे अफेयर्स हो, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? आप उनके साथ शादी का रिश्ता कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि आपके बहुत सारे अफेयर्स रहे, बहुत सारी चीज़ें रही, उसके बावजूद भी उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया और अब तक रिश्ता कायम है आप दोनों का। तो अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप एक्सेप्ट करते? इस पर खेसारी लाल यादव ने चौंका देने वाला खुलासा किया। खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखिए, अगर मेरी पत्नी मेरे जगह होती तो उसके भी अफेयर्स होते। अब ये सुनकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और बहुत सारे लोग खेसारी को ट्रोल भी कर रहे हैं कि आप अपनी बीवी के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं, कम से कम उनकी इज्जत कीजिए। और सोचिए जरा उनकी पत्नी को ये कैसा लगा होगा जब खेसारी लाल यादव ने ये बात बोली। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं जिस जगह पर हूँ अगर मेरी पत्नी होती तो उसके भी अफेयर्स होते। भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम महिलाएँ हैं जो काम करती हैं, उनके भी अफेयर्स होते हैं। उनके भी अफेयर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है। जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहोगे, साल भर एक ही इंसान का चेहरा देखोगे, रात में, दिन में, ठंड में, बरसात में, हर मौसम में, ऊपर से प्यार वाला सीन करना हो, रोमांस करना हो, रोमांटिक मूड लाना हो, ऊपर से अगला आपकी केयर करे, आपसे खूबसूरत हो, आपसे वेल डिजर्विंग हो, तो इस तरह की चीज़ें जब एक साथ होगी तो ऐसा लगेगा कि पूरा कायनात भी आप दोनों को एक करने की साजिश रच रहा है। और ऐसे में आप कितनी देर अपने आप को भटकने से रोकोगे? आखिर तक आप उसके प्यार में पड़ ही जाओगे, आप उसके गिरफ्त में आ ही जाओगे। तो ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ये सब कुछ अपने आप ही होता चला जाता है। तो बस यही वजह है। बाकी मैं तो कहता हूँ कि मैं मेरे पत्नी से बहुत लॉयल हूँ, मैं हर चीज़ बताता हूँ, वो हर चीज़ जानती है, लेकिन वो जो मेरे लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता। वो बहुत मतलब अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक रही इस बात की जो आपने सवाल किया, तो अगर उसके भी अफेयर्स होते या अगर ऐसा करती और उसके बावजूद जैसे मैं उसे ट्रीट करता हूँ, जैसे मैं उसे इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो मुझे देती, मैं उसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हर चीज़ से ज़्यादा होता, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता, उसके साथ मैं रहता। अब इस तरह से खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया है, इसकी खूब निंदा हो रही है। कुछ लोग खेसारी लाल यादव के इस बयान के सपोर्ट में हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे लोग इस बयान की भी निंदा कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव के हरकतों की भी। खेसारी लाल यादव के फैंस को या बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि चंदा यादव बहुत सारा चीज़ झेलती हैं और बर्दाश्त करती हैं। वहीं अगर पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की बात की जाए, तो शायद हो सकता है वो ये सब बर्दाश्त ना की हो, इसीलिए उन दोनों में इतना खटास आया कि मामला तलाक तक पहुँच गया और 4 साल तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे। वो अलग बात है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ फिर से हो गए हैं और अपने तमाम गिले शिकवे मिटा चुके हैं। वेल, इस वीडियो पर, खेसारी लाल यादव के इस बयान पर आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करें। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।